नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्टडी 91 परिवार में बहुत बहुत स्वागत है। और इस समय मैं आप सबके सामने लेकर आया हूँ एसएससी जीडी। और एसएससी जीडी की आप सब देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर डायरेक्शन की मैं पांचवी क्लास आप सबके लेकर आया हूँ। डायरेक्शन की चार क्लासेज मैंने आप सबको प्रोवाइड करा दी है और पांचवी क्लास को लेकर हम लोग कंटिन्यू करेंगे। और इसी प्रकार से हम लोग धीरे धीरे क्या करेंगे, आगे बढ़ते रहेंगे, मूव ऑन करते रहेंगे। तो चलिए दोस्तों, जल्दी से आप सभी लोग तैयार हो जाइए। और रीजनिंग की एसएससी जीडी की डायरेक्शन की पांचवी क्लास है और इसी प्रकार से हम लोग क्या करेंगे, आगे जो है बढ़ते रहेंगे। ठीक है दोस्तों, तो देखते हैं। जैसे कि आप सब देख पा रहे होंगे कि जो क्लास है हमारी बहुत ही शानदार तरीके से आगे कंटिन्यू चल रही है और इसी प्रकार से हम इसको क्या करेंगे, आगे जो है लेकर चलेंगे। तो यहां पर देख पा रहे होंगे कि चौथी क्लास में मैंने कुछ क्वेश्चनों को कराया था, कुछ क्वेश्चन बचे थे, अब उन्हीं को आगे कंटिन्यू करेंगे। ये क्वेश्चन इसी प्रकार से आपके सामने आते रहेंगे। मैं एक बात बता दूं कि जितना भी मैं पढ़ा रहा हूं उसकी प्रैक्टिस भी आप सबको करना होगा, क्योंकि एसएससी जीडी में आपके लिए रीजनिंग और हिंदी का इतना ज्यादा रोल बढ़ जाता है कि अगर यहां पर काम नहीं करेंगे तो सारी चीजें क्या हो जाएंगी, डिस्टर्ब हो जाएंगी। ओके, तो चलिए समझते हैं इसको जो है। तो यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है कि विजय अपने कार्यालय से प्रारंभ करके 4 किलोमीटर उत्तर की ओर चलता है, फिर दाएं मुड़कर 2 किलोमीटर चलता है, और फिर दाएं मुड़कर 6 किलोमीटर चलता है, और फिर दाईं ओर मुड़कर 2 किलोमीटर चलता है, और फिर दाईं ओर 2 किलोमीटर चलता है। वह प्रारंभिक स्थल से कितनी दूरी पर है, आपको बताना है। तो यहाँ पर आपको बताना है कि उसका जो है प्रारंभिक स्थल से कितनी दूरी पर होगा। बहुत ही शानदार प्रश्न है आपको जी। यहाँ पर हम लोग पढ़ रहे थे कि यात्रा की दूरी ज्ञात करना, और उसी से रिलेटेड प्रश्न आप सबके सामने है और उसी को जो है हमको लेकर क्या करना है, आगे बढ़ना है। तो चलिए दोस्तों, जल्दी जल्दी तैयार हो जाइए और बताइए इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा। बोलो भैया, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा इस प्रश्न का। करा कि विजय अपने कार्यालय से प्रारंभ करके 4 किलोमीटर उत्तर की ओर जाता है, फिर दाईं ओर मुड़ता है। मान लीजिए प्रश्न है कि विजय जो है अपने कार्यालय से प्रारंभ करके 4 किलोमीटर उत्तर की ओर जाता है। ये 4 किलोमीटर है। विजय अपने कार्यालय से प्रारंभ करके 4 किलोमीटर उत्तर की ओर जाता है, फिर दाएं मुड़कर 2 किलोमीटर चलता है, फिर राइट मुड़कर क्या करता है, 2 किलोमीटर चलता है, ये हो गया। फिर दाएं मुड़कर 6 किलोमीटर चलता है, तो फिर दाएं मुड़ेगा 6 किलोमीटर, तो यहाँ पर नीचे आ जाएगा। क्यों? क्योंकि इसके सामने वाली 4 है, तो अगर 6 चलाना है तो इसको थोड़ा सा बड़ा बनाना पड़ेगा, ये बात हमें ध्यान देना है। फिर दाईं ओर मुड़कर 2 किलोमीटर चलता है, तो फिर राइट मुड़ेगा, तो ये 2 है, तो इसी के सामने आ जाएगा। फिर दाईं ओर मुड़कर कितना चलता है, 2 किलोमीटर, तो ये 2 किलोमीटर हो गया, तो यहाँ से 2 किलोमीटर हो गया। वह प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है, तो यहाँ से उसने चलना शुरू किया था, ये उसका प्रारंभिक स्थान है और ये उसका क्या है, अंतिम स्थान है। तो कह रहा हूँ प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है। अगर दोस्तों ये पूरी 6 है, ठीक है, अगर ये 4 है तो ये यहाँ पर कितना बचेगा, तो ये डिस्टेंस जो होगा ये 2 किलोमीटर बचेगा। कितना बचेगा, 2 किलोमीटर। तो प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है, तो वह प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है, तो प्रारंभिक स्थान से अभी वो 2 किलोमीटर की दूरी पर है, और 2 किलोमीटर तो यहाँ पर कहीं है ही नहीं। करा कि विजय अपने कार्यालय से प्रारंभ करके 4 किलोमीटर उत्तर की ओर चलता है, फिर दाएं, फिर प्रश्न बोल रहा है, फिर दाएं मुड़कर 2 किलोमीटर चलता है, फिर दाएं मुड़कर 6 किलोमीटर चलता है, फिर दाईं ओर मुड़कर 2 किलोमीटर चलता है, और फिर दाईं ओर मुड़कर 2 किलोमीटर चलता है। अभी हमने छोड़ दिया था, यहाँ से फिर दाईं ओर मुड़ेगा और 2 किलोमीटर चलेगा, तो वापस यहीं पर पहुंच जाएगा, इसी जगह पर। तो कह रहा अपने प्रारंभिक स्थान पर ही दोस्तों पहुंच गया, वो अपने प्रारंभिक स्थान पर ही पहुंच गया, तो अपने प्रारंभिक स्थान से इस समय 0 किलोमीटर की दूरी पर है। ऑप्शन नंबर पहला सही होगा, क्योंकि लास्ट वाला जो 2 किलोमीटर है उसको हमने मूव ही नहीं कराया था, चलाया ही नहीं था, इसलिए आंसर मैच नहीं कर रहा था। तो अब आपको समझ में आया होगा कि ये घूम फिर कर वहीं पर पहुंच जाता है जहाँ से उसने चलना शुरू किया था, तो प्रारंभिक स्थान पर ही वो पहुंच गया, तो जो डिस्टेंस और जो दूरी होगी वो भी 0 किलोमीटर की ही हो जाएगी। ओके, तो डिस्टेंस और जो दूरी होगी वो भी क्या हो जाएगी, 0 किलोमीटर की ही हो जाएगी। आशा करता हूं कि प्रश्न आप सबको समझ में आया होगा। आइए चलते हैं अब अगले प्रश्न में, देखते हैं किसका अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है। तो पढ़िए इसको और बताइए किसका सही जवाब क्या होगा। सभी लोग, कह रहा कि एक व्यक्ति 12 किलोमीटर उत्तर की ओर चलता है, फिर 15 किलोमीटर पूर्व की ओर, उसके बाद 15 किलोमीटर पश्चिम की ओर, फिर 18 किलोमीटर दक्षिण की ओर चलता है, आरंभिक स्थल से वह कितनी दूरी पर है, आपको बताना है। तो बताइए आरंभिक स्थल से वह कितनी दूरी पर है, बताइए इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा। बोलो भैया,
करा कि एक व्यक्ति 12 किलोमीटर उत्तर की ओर चलता है, तो चलो पहले फिर उसके बाद पूर्व की ओर। तो मान लो एक व्यक्ति है, बना लेते हैं कि एक व्यक्ति 12 किलोमीटर उत्तर की ओर चलता है, फिर 15 किलोमीटर पूर्व की ओर, तो यहाँ से 15 किलोमीटर जाएगा पूर्व की ओर, उसके बाद 15 किलोमीटर पश्चिम, 15 किलोमीटर पूर्व, उसके बाद 15 किलोमीटर पश्चिम, तो उसके बाद 15 किलोमीटर पश्चिम तो वापस नहीं, वापस यहीं पर आ जाएगा, चलता है। आरंभिक स्थल से वह कितनी दूरी पर है, तो आरंभिक स्थल से वह कितनी दूरी पर है, 12 किलोमीटर की दूरी पर है, क्योंकि वापस घूम पर वहीं पर आ गया। फिर से एक बार पढ़ो, एक व्यक्ति 12 किलोमीटर उत्तर की ओर चलता है, फिर 15 किलोमीटर पूर्व की ओर, उसके बाद 15 किलोमीटर पश्चिम की ओर चलता है, फिर 18 किलोमीटर दक्षिण की ओर। अब यहाँ से 18 किलोमीटर दक्षिण हमने मिस किया, तो 18 किलोमीटर दक्षिण की ओर, तो यहाँ से 18 किलोमीटर दक्षिण की ओर, तो 12 किलोमीटर ऑलरेडी है, तो अभी कितना चलना पड़ेगा उसको, 6 किलोमीटर, ठीक है, कितना करना पड़ेगा, 6 किलोमीटर। तो कह रहा कि आरंभिक स्थल से कितनी दूरी पर है, ये उसका आरंभिक स्थल से, तो आरंभिक स्थल से 6 किलोमीटर की दूरी पर है, तो ये सही जवाब होगा, ये वाला नहीं होगा, क्योंकि इसको हमने पढ़ा नहीं। 18 किलोमीटर दक्षिण की ओर चलता है, तो इसका जो सही जवाब होगा 6 किलोमीटर होगा, ठीक है, ना कि 12 किलोमीटर, ओके। तो इसका जो सही जवाब होगा 6 किलोमीटर। तो प्रेजेंट टाइम में व्यक्ति का ये आरंभिक स्थल था और ये क्या था, अंतिम बिंदु था, ठीक है, ये प्रारंभिक था और ये अंतिम था, इसलिए जो डिस्टेंस आएगी वो 6 किलोमीटर की आ जाएगी। तो इस प्रश्न का आएगा आंसर 6 किलोमीटर। आइए चलते हैं अगले प्रश्न में, इसको पढ़िए और बताइए कि इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। करा कि सोहन बिंदु X से प्रारंभ करके 8 किलोमीटर आगे बिंदु Y तक पहुंचा, फिर दाईं ओर मुड़कर 5 किलोमीटर बिंदु Z तक यात्रा करके पहुंचा, फिर दाईं ओर मुड़कर 7 किलोमीटर बिंदु A तक पहुंचा, और फिर दाईं ओर मुड़कर 5 किलोमीटर बिंदु B तक पहुंचा, बिंदु B और बिंदु X के बीच की दूरी कितनी है। आपको बताना है कि बिंदु B और बिंदु X के बीच की दूरी कितनी है। आई चलते हैं, करा कि सोहन बिंदु X से प्रारंभ करके 8 किलोमीटर बिंदु Y तक चलता है, ठीक है ना। तो मान लो ये बिंदु X है, ये बिंदु X है, और सोहन बिंदु X से प्रारंभ करके 8 किलोमीटर बिंदु Y तक पहुंचता है, ठीक है, फिर दाईं ओर मुड़कर 5 किलोमीटर बिंदु Z तक, फिर दाईं ओर मुड़कर मुड़ता है और 5 किलोमीटर चलता है और बिंदु जड़ तक जाता है, कहां तक जाता है, बिंदु जड़ तक, फिर दाईं ओर मुड़कर 7 किलोमीटर, फिर कह रहा कि फिर दाईं ओर मुड़कर क्या करता है, 7 किलोमीटर, तो ये हो गया 7 किलोमीटर, और बिंदु ए तक पहुंचता है, तो ये बिंदु ए हो गया, ठीक है, फिर दाईं ओर मुड़कर 5 किलोमीटर बिंदु बी तक, फिर दाईं ओर मुड़ेगा और 5 किलोमीटर बिंदु बी तक, तो यहाँ से वापस वहीं पर आएगा, और ये डिस्टेंस कितनी, 5 किलोमीटर, और ये जो बिंदु होगा या कौन होगा, बिंदु बी होगा, ठीक है, बिंदु बी तक पहुँचा। बिंदु बी और बिंदु एक्स के बीच की दूरी कितनी है, तो बिंदु बी और बिंदु एक्स के बीच की, तो ये 8 है पूरा, ये 7 है, तो ये भी यहाँ तक क्या होगा, 7 होगा, ये पूरा 8 था, तो ये कितना बचेगा, 1 बचेगा। तो बिंदु एक्स और बी की जो बीच की दूरी होगी वो होगी 1 किलोमीटर की, कितनी होगी, 1 किलोमीटर की, और 1 किलोमीटर कहाँ है, ऑप्शन नंबर पहले में, तो अगर आपने इसका ऑप्शन नंबर पहला 1 किलोमीटर लगाया है, तो आपका जवाब बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है ना, आइए चलते हैं अब अगले प्रश्न में, देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है आपसे। इस प्रश्न को सॉल्व करिए और बताइए कि इसका सही जवाब क्या होगा, बोलिएगा। शीता पूर्व दिशा में 1 किलोमीटर चलती है, फिर दाएं मुड़कर 1 किलोमीटर चलती है, उसके बाद बाएं मुड़ती है और 2 किलोमीटर चलती है, तथा अंत में बाएं मुड़कर 5 किलोमीटर चलती है। सीता अपने मूल स्थान से कुल कितनी दूरी पर है, न्यूनतम रास्ते के आधार पर, मतलब न्यूनतम दूरी आपको बतानी है, तो बताइए इसकी न्यूनतम दूरी क्या हो जाएगी।
रहा है कि सीता पूर्व दिशा में एक किलोमीटर चलती है। प्रश्न बोल रहा है कि सीता पूर्व दिशा में एक किलोमीटर चलती है। तो चलो मान लिया सीता यहाँ से पूर्व दिशा में एक किलोमीटर चलती है, ये सीता का प्रारंभिक स्थान होगा, ये ध्यान दीजिएगा। फिर दाएं मुड़कर एक किलोमीटर चलती है, फिर राइट मुड़ती है और एक किलोमीटर चलती है, ये हो गया। उसके बाद बाएं मुड़कर दो किलोमीटर चलती है, तो उसके बाद बाएं मुड़ती है और यहाँ से दो किलोमीटर जाती है, ये मुड़ दिया हमने बाएं। तथा अंत में बाएं मुड़कर पाँच किलोमीटर चलती है और अंत में फिर से वह बाएं मुड़ती है और पाँच किलोमीटर चलती है, ये हो गया और ये हो गई पाँच किलोमीटर। ठीक है, पाँच किलोमीटर चलती है सीता अपने मूल स्थान, मूल स्थान मतलब प्रारंभिक स्थान की बात कर रहा है कि न्यूनतम रास्ते पर कितनी दूरी पर है। तो आपको ये वाली दूरी बतानी है, न्यूनतम दूरी यहाँ से आपको बतानी है कि ये न्यूनतम दूरी क्या हो जाएगी सीता की, ये दूरी बतानी है। तो ये दूरी निकालना है तो पहले आपको त्रिभुज बनाना पड़ेगा। अगर ये दो है तो ये यहाँ से यहाँ तक कितना होगा, दो होगा, होगा कि नहीं होगा। तो ये दो किलोमीटर हुआ, तो ये दो है और ये एक है, तो दो और एक पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना हो जाएगा, तीन किलोमीटर हो जाएगा पूरा ये। ठीक है, और दोस्तों अगर ये एक किलोमीटर है तो ये इतना एक किलोमीटर होगा, इतना यहाँ से यहाँ तक, ये पूरा पाँच था तो ये यहाँ तक इतना चार किलोमीटर बचेगा यहाँ से यहाँ तक। तो यहाँ से यहाँ तक आपको एक त्रिभुज बनता हुआ नज़र आ रहा होगा। हमको ये दूरी निकालनी है तो इसको आप x मान लो। तो यहाँ पर जो हो जाएगा x का स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा चार का स्क्वायर और प्लस तीन का स्क्वायर। चार का स्क्वायर 16 होता है, तीन का स्क्वायर 9 होता है, तो 16 और 9 कितना होता है 25। तो x स्क्वायर बराबर कितना आएगा, 25 आएगा। तो x बराबर कितना बचेगा, 5 किलोमीटर बचेगा। कितना बचेगा, तो न्यूनतम दूरी होगी 5 किलोमीटर और ये कहाँ जाएगा, तीसरे में। इस प्रश्न का आपका जो सही जवाब होगा वो तीसरा वाला हो जाएगा। आशा करता हूं कि प्रश्न आप सबका बढ़िया से सही होगा। हो गया भैया, आइए अब चलते हैं अगले रास्ते पर, अगले प्रश्न पर और देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या होगा। शैलेश दक्षिण की ओर 20 मीटर चलता है, वह फिर बाएं मुड़ता है और 30 मीटर चलता है, इसके बाद वह दाएं मुड़ता है और 10 मीटर चलता है, फिर दोबारा वह दाएं मुड़ता है और 40 मीटर चलता है, इसके बाद वह दाएं मुड़ता है और 30 मीटर चलता है। अब वह रुक गया, अब वह अपने शुरुआती बिंदु से किस दिशा में है आपको बताना है। तो बताइए कि वह अपने शुरुआती बिंदु से किस दिशा में है। बोलो भैया। प्रश्न बोल रहा है कि शैलेश दक्षिण की ओर 20 मिनट चलता है, फिर वह क्या करता है, बाएं मुड़ता है। तो चलो मान लो शैलेश जो है वो यहाँ से दक्षिण की ओर चलता है 20 मीटर, तो जो दूरी है वो 20 मीटर, यहाँ से उसने चलना शुरू किया, प्रारंभिक होगा। फिर बाएं मुड़ता है और 30 मीटर चलता है, तो यहाँ से बाएं मुड़ता है और 30 मीटर चलता है, इसके बाद वह दाएं मुड़ता है और 10 मीटर चलता है, इसके बाद वह राइट मुड़ता है और कितना चलता है, 10 मीटर, ये लिख दिया। फिर वह दोबारा दाएं मुड़ता है और 40 मीटर चलता है, अब इसके बाद वह दोबारा दाएं मुड़ेगा तो इस साइड आएगा, ये 30 है तो 40 इसके आगे आ जाएगा, कितना चलता है 40 मीटर। तो मैं यहाँ पर बना लेता हूँ 40 मीटर चलता है, यहाँ से आपको दिख रहा होगा। फिर वह दाएं मुड़ता है और 30 मीटर चलता है, तो फिर वह दाएं मुड़ता है और 30 मीटर चलता है, तो वापस वो यहीं पर आ जाएगा, वापस वो यहीं पर आ जाएगा, ओके। और कितना चलता है 40, तो ये पूरा जो होगा 40 मीटर होगा, ठीक है, ये डायग्राम बनेगा, पूरा जो होगा वो 40 मीटर बनेगा।
अब वह रुक गया, अब वह अपने शुरुआती बिंदु से किस दिशा में है, तो आपको दिशा बतानी है, तो यहां से ये वाली दिशा बतानी है, तो व्यक्ति का ये अंतिम बिंदु है, ठीक है, तो शुरुआती बिंदु से पश्चिम दिशा में है, कौन सी दिशा में, पश्चिम दिशा में, तो इसका जो आंसर आएगा ना वो पश्चिम आएगा। बहुत ही अच्छा डायग्राम था और ध्यान से बनाएंगे तभी हो पाएगा। तो ये 40 है, देखो भाई अगर यहां से वो 40 चलता है तो ये 10 है और ये 20 है, तो 20 और 10 कितना हो गया 30, गड़बड़ है बेटा, क्यों, क्योंकि देखो 40 मीटर चलाना है, तो अगर 40 मीटर चलाना है उसको तो ये ऊपर जाएगा, क्या जाएगा ऊपर, क्योंकि 20 और ये 30 है, ये क्या है 30 है, है ना, ये क्या है 30 है, तो 20 और 10 30, इसको 40 चलाना है तो ऊपर जाएगा और ऊपर जाएगा, तो यहाँ पर आएगा, तो यहाँ से आपको दिशा बतानी है, तो ये वाली दिशा बतानी है, तो ये वाली उत्तर पश्चिम दिशा होगी, और उत्तर पश्चिम कहाँ है तीसरे में, तो इसका दूसरा ना सही होकर तीसरा सही होगा, क्योंकि 40 मीटर चलाना था, ध्यान दीजिएगा, तो ये 10 और ये 20 और 30, तो यहाँ तक ये 30 होगा, यहाँ तक ये पूरी दिशा 30 मीटर हो जाएगी, ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक जाएगा तो उत्तर पश्चिम दिशा आएगा, उत्तर पश्चिम कहाँ है ऑप्शन नंबर तीसरे में, तो इसका तीसरा वाला सही जवाब होगा, ओके, तीसरा वाला प्रश्न इसका सही होगा, क्लियर है। चलिए, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा भैया, नहीं तो फिर से समझा दे एक बार। चलिए, आशा करता हूं कितना टफ प्रश्न नहीं था, आप लोगों ने कर लिया होगा, नहीं तो दोबारा एक बार प्रयास कर लेंगे, आंसर मिल जाएगा। आइए अगले प्रश्न में चलते हैं, बताइए इसका सही जवाब क्या होगा, इस प्रश्न का आंसर बताइए क्या हो जाएगा। करा कि 5 गांव हैं, पी क्यू आर एस और टी एक दूसरे से सटे हुए हैं, पी क्यू के पश्चिम में है, एस टी के पूर्व में है, आर पी के दक्षिण में है, टी क्यू के उत्तर में है, तो आर एस से किस दिशा में है आपको बताना है, तो बताइए सभी लोग कि आर जो है एस से किस दिशा में है। आर एस से किस दिशा में है ये आपको बताना है। कि 5 गांव पी क्यू आर एस और टी एक दूसरे से सटे हुए हैं, पी क्यू के पश्चिम में है, एस टी के पूर्व में है, आर पी के दक्षिण में है, टी क्यू के उत्तर में है, तो आर एस से किस दिशा में आपको बताना है। तो चलो बनाते हैं, कह रहा कि 5 गांव पी क्यू आर एस टी एक दूसरे से सटे हुए हैं, पी क्यू के पश्चिम में, P जो है वो Q के पश्चिम में, तो मान ले Q है, Q का पश्चिम इधर होगा, ठीक है, Q का पश्चिम इधर होगा, तो P Q के पश्चिम में बन गया, P Q के पश्चिम में है, S T के पूर्व में, तो S जो है T के पूर्व में है, R P के दक्षिण में, तो R जो है P के दक्षिण में, पहले इसको बनाते हैं, ठीक है ना, और R P के दक्षिण में T Q के उत्तर में है, T जो है Q के उत्तर में, अब रिलेशन जुड़ेगा, T Q के क्या है उत्तर में, ठीक है, अब इसको हमने छोड़ा था कि S T के पूर्व में, तो S जो है T के क्या है पूर्व में, तो यहाँ पर S आएगा, S T के पूर्व में, अब बनेगा R P के दक्षिण में, T Q के उत्तर में, तो R S से किस दिशा में है, तो R जो है S से किस दिशा में है आपको बताना है, तो यहाँ से आपको ये वाली दिशा बतानी है कि R जो है S से किस दिशा में है, तो ये दक्षिण होता है, ये पश्चिम होता है, तो दिशा जो हो जाएगी ना ये दक्षिण पश्चिम की हो जाएगी, किसकी हो जाएगी, तो R जो है ना ये S से दक्षिण पश्चिम दिशा में, और दक्षिण पश्चिम के लिए तीसरा वाला आपका सही होगा, दक्षिण पश्चिम के लिए तीसरा वाला प्रश्न आप सबके लिए क्या होगा सही होगा और बढ़िया शानदार, ओके ना, तो इसका तीसरा वाला आंसर होगा, तीसरा वाला आंसर हो जाएगा। ठीक है भैया, तो आइए चलते हैं अब अगले प्रश्न में, तो इसी प्रकार से प्रश्न आपके सामने आते जाएंगे, आपको सॉल्यूशन देते चलना है, तो बताइए इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। बताइए इसका सही जवाब।
कह रहा कि P एट द रेट Q का अर्थ है P Q के 6 किलोमीटर पूर्व में है, P H Q का अर्थ है Q P के 4 किलोमीटर उत्तर में है, P प्रतिशत Q का अर्थ है Q P के 12 किलोमीटर दक्षिण में है, तो A एट द रेट B, B H C, C प्रतिशत D तथा D A से कितना और किस दिशा में है। दूरी भी बतानी, डिस्टेंस बताना, बहुत ही शानदार प्रश्न है, कुछ अलग प्रकार का अनुभव आपको यहाँ पर मिलेगा। तो बताइए इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा। कि P एट द रेट Q का अर्थ है P Q के 6 किलोमीटर पूर्व में, प्रश्न बोल रहा है कि जो है P Q के 6 किलोमीटर पूर्व में, तो आइए देखते हैं P Q के 6 किलोमीटर पूर्व में। पहले इसका मतलब देखो, A एट द रेट B का मतलब क्या है, A एट द रेट B का मतलब है कि P Q के 6 किलोमीटर पूर्व में, तो इसको यहां पर अप्लाई करो, तो ये P मान लो, इसको Q मान लो, इसको P मान लो, इसको Q मान लो। अगर P Q के 6 किलोमीटर पूर्व में है तो A जो है B के 6 किलोमीटर पूर्व में, तो A जो है B के 6 किलोमीटर पूर्व में, तो मान लो A जो है B के 6 किलोमीटर पूर्व में, A जो है B के 6 किलोमीटर पूर्व में, ठीक है। आगे B हैज C, हैज का मतलब क्या है, सॉरी फिर से बनाते हैं, P Q के 6 किलोमीटर पूर्व में है, तो A जो है B के 6 किलोमीटर पूर्व में है, A B के 6 किलोमीटर पूर्व में है, ये हो गया। आगे बोल रहा है कि P H Q का अर्थ है Q P के 4 किलोमीटर उत्तर में है, तो यहाँ पर देखो कह रहा है कि इसको P मान लो और इसको Q मान लो, ठीक है। फिर प्रश्न बोल रहा है Q P के 4 किलोमीटर उत्तर में है, तो C जो है B के 4 किलोमीटर उत्तर में, तो C B के 4 किलोमीटर उत्तर में, तो C जो है B के 4 किलोमीटर क्या है, उत्तर में, ये हमने बना लिया। अब इसको P मान लो, इसको Q मान लो, इसको P मान लो, इसको Q मान लो, और प्रतिशत का मतलब देखो क्या है, प्रतिशत का मतलब है Q P के 12 किलोमीटर उत्तर में, तो Q जो है P के 12 किलोमीटर उत्तर में है, तो Q C के 12 किलोमीटर उत्तर में। देखो P प्रतिशत Q का मतलब है Q P के 12 किलोमीटर दक्षिण में, क्या है, दक्षिण में, तो D C के 12 किलोमीटर दक्षिण में है, तो 4 किलोमीटर तो है ही है, तो 8 किलोमीटर और आ जाओ, तो ये हो जाएगा 8 किलोमीटर, और यहाँ पर कौन आएगा, D आएगा, तो ये हो गया 8 किलोमीटर दक्षिण में। अब आओ कह रहा है तो D A से कितना दूर और किस दिशा में है, हमको बताना है कि D जो है A से कितनी दूरी पर और किस दिशा में है, दोनों बातें बतानी है, दूरी भी बतानी है, दिशा भी बतानी है, तो दिशा तो भाई दक्षिण और पश्चिम आएगी, दिशा तो आपकी दक्षिण पश्चिम आएगी। अब हमको दूरी बताना है, तो इसको x मान लो, तो x का स्क्वायर इक्वल टू होगा 8 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर 64 होता है, 6 का स्क्वायर 36 होता है, 64 36 100 होता है, x स्क्वायर बराबर 100, तो x बराबर कितना आएगा, 10 किलोमीटर, तो 10 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम, तो 10 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम, तो 10 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम सेकेंड में मिलेगा, इसका सही जवाब सेकेंड होगा। तो जैसे ब्लड रिलेशन में ऐसे प्रश्न बनते हैं, वैसे डायरेक्शन में भी पूछने लग गया है, तो प्रश्न बहुत ही शानदार था, तो बताए इसका आंसर जो होगा बी वाला सही हो जाएगा। हो गया ना, ये हो गया इसका सही जवाब। नेक्स्ट, इसको करिए, अभी परछाई वाले प्रश्न मैं बाद में कराऊंगा। Thank you.
बोलो भाई क्या होगा इसका आंसर? कह रहा है कि एक व्यक्ति दक्षिण की ओर जा रहा है, 200 मीटर चलने के बाद वह अपनी दाईं ओर मुड़ता है और 80 मीटर चलता है, फिर से वह दाएं मुड़ता है और 100 मीटर चलता है, इसके बाद वह बाएं मुड़ता है और 50 मीटर चलता है, अंत में वह फिर से अपने बाएं मुड़ता है 30 मीटर चलता है, तो अब वह किस दिशा में चल रहा है? एक छोटा सा प्रश्न है और ऐसे प्रश्न मैं ढेर सारे करा चुका हूँ जब दिशा से रिलेटेड होता है, और मैंने बताया था कि ऐसे प्रश्नों में आपको डायरेक्शन बनाने की भी आवश्यकता नहीं पड़ती है। अगर आप सबको चीज़ें याद होंगी तो आपको यहाँ पर डायरेक्शन की नीडेड नहीं पड़ती है। तो दोस्तों एक व्यक्ति दक्षिण की ओर जा रहा है, तो यहाँ पर डायरेक्ट प्रश्न को करेंगे कि एक व्यक्ति जो है साउथ में जा रहा है, कहाँ जा रहा है? साउथ में जा रहा है। 200 मीटर चलने के बाद वह क्या करता है? अपनी दाईं ओर मुड़ता है, राइट मुड़ता है और 80 मीटर चलता है, फिर से वह दाएं मुड़ता है, इसके बाद वह बाएं मुड़ता है, अंत में फिर से अपने बाएं मुड़ता है। यहाँ पर क्या करता है? बाएं मुड़ता है, 50 मीटर चलता है, फिर से वह अपने बाएं मुड़ता है, 50 मीटर चलता है। तो अब वह किस दिशा में चल रहा है ये पूछ रहा है। एक राइट एक लेफ्ट को, एक राइट एक लेफ्ट को कैंसिल करेगा, कुछ बचेगा नहीं, तो साउथ का साउथ ही रहेगा, साउथ का साउथ ही रहेगा। ओके ना, साउथ का साउथ ही रहेगा, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर पहला ही सही हो जाएगा। ठीक है, आइए चलते हैं अगले प्रश्न में, इसको पढ़ो और बताओ। एक व्यक्ति उत्तर पूर्व की ओर जा रहा है, 70 मीटर के बाद वह अपनी बाईं ओर मुड़ता है और 30 मीटर चलता है, बोलिएगा। प्रश्न को पढ़िए और सॉल्व करने का प्रयास करिए। सारे क्वेश्चन मेरे ऊपर डिपेंड मत रहिए कि सर बताएंगे तो देख लेंगे, खुद पेन कॉपी चलाइए और जब तक नहीं करेंगे तब तक वो परफेक्शन नहीं आ पाएगा। जिसके लिए आप जुड़ रहे हो, जिसके लिए मेहनत कर रहे हो, वहां तक पहुंचने के लिए खुद मेहनत करनी पड़ेगी। एक व्यक्ति उत्तर पूर्व की ओर जा रहा है, 70 मीटर के बाद वो अपनी बाईं ओर मुड़ता है। एक व्यक्ति उत्तर पूर्व, उत्तर पूर्व होता है नॉर्थ ईस्ट होता है, आगे बढ़ो। 70 मीटर के बाद वह क्या करता है? अपनी बाईं ओर मुड़ता है, लेफ्ट मुड़ता है, इसके बाद वह पुनः बाईं ओर मुड़ता है और 50 मीटर चलता है, फिर वह दाईं ओर मुड़ता है और 50 मीटर चलता है, हो गया। अंत में वह बाईं ओर मुड़ता है, 30 मीटर चलता है। व्यक्ति का मुख कौन सी दिशा में? क्वेश्चन मार्क में पूछ रहा है। लेफ्ट राइट कैंसिल, दो लेफ्ट बचा, और दो लेफ्ट का मतलब होता है अपोजिट, तो नॉर्थ ईस्ट का अपोजिट, नॉर्थ का साउथ, ईस्ट का वेस्ट, साउथ वेस्ट मतलब दक्षिण पश्चिम। अब देखो कहाँ है ये, तीसरे में रखा हुआ है। आइए चलते हैं अगले प्रश्न में, एक व्यक्ति ए उत्तर पूर्व दिशा की ओर जा रहा है, 120 मीटर चलने के बाद वह 200 बार बाईं ओर मुड़ता है, 40 मीटर चलता है, इसके बाद 225 बार दाईं ओर मुड़ता है और 40 मीटर चलता है, तो अब वह व्यक्ति किस दिशा में चल रहा है? तो शब्द मैं करा चुका हूं भाई, देखता हूं। इसको करो भाई,
एक व्यक्ति 5 किलोमीटर पूर्व की ओर चलता है, तब वह दक्षिण की ओर मुड़ता है और समान दूरी चलता है, अंत में वह बाईं ओर मुड़कर 7 किलोमीटर चलता है, और प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में, कितनी दूरी पर और किस दिशा में आपको बताना है। बताइए इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा। करा कि एक व्यक्ति 5 किलोमीटर पूर्व की ओर चलता है, तो एक व्यक्ति जो है 5 किलोमीटर पूर्व की ओर चलता है, तब वह दक्षिण की ओर मुड़ता है और समान दूरी तय करता है। और अंत में वह बाईं ओर मुड़कर 7 किलोमीटर चलता है। अब वह प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर और किस दिशा में है? तो यहां से आपको जो है ये वाली दिशा और दूरी दोनों बतानी है, ठीक है? तो यहां से इसको बना लो भाई, ये भी होगा 5, ये भी ये 5, तो पूरा हो जाएगा 12, ठीक है? तो यहां से यहां तक आपको दूरी बतानी ये वाली, तो ये एक त्रिभुज बनेगा पूरा कंप्लीटली, ठीक है? तो ये 12 है, ये 5 है, इसको x मान लो, x का स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 12 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर 144, 5 का स्क्वायर कितना 25, तो 5 4 9 4 2 6 169, x स्क्वायर, तो x बराबर कितना आएगा 13 किलोमीटर, और दिशा कौन सी आएगी, दक्षिण पूर्व, दिशा आएगी दक्षिण पूर्व, 13 किलोमीटर दक्षिण पूर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसको करो भाई, ये अलग प्रश्न है, बनाइए इसको सभी लोग और बताइए किसका सही जवाब क्या होगा। कि अभिषेक बिंदु P से 15 मीटर दक्षिण की ओर चलना प्रारंभ करता है, अभिषेक बिंदु P से 15 मीटर दक्षिण की ओर चलना प्रारंभ करता है और बिंदु Q पर पहुंचता है, फिर बाएं मुड़कर 7 मीटर चलता है। प्रश्न कह रहा है कि अभिषेक बिंदु P से, मान लीजिए बिंदु P है, और यहां से अभिषेक बिंदु P से दक्षिण की ओर चलना प्रारंभ करता है और बिंदु Q पर, तो बिंदु Q पर आता है, ये बिंदु Q है और डिस्टेंस चलता है 15 मीटर, ये हो गया। फिर बाएं मुड़कर 7 मीटर चलता है, अब यहां से वो बाएं मुड़ता है और 7 किलोमीटर चलता है, बाएं मुड़कर 7 किलोमीटर चलता है और बिंदु R पर पहुंचता है, तो यहां से वो बिंदु R पर पहुंच गया। फिर वह बाएं मुड़कर 10 किलोमीटर चलता है, फिर वो यहां से बाएं मुड़ता है और 10 किलोमीटर चलता है और बिंदु S पर पहुंचता है, तो ये बिंदु S पर पहुंच गया, ये हो गया बिंदु S पर पहुंचता है। बिंदु S से वह 180 अंश वामावर्त दिशा में घूमता है, और फिर ये 180 डिग्री है, 1800 नहीं है, ठीक है, ये 180 डिग्री है और ये 270 डिग्री है, तो कह रहा है कि 180 डिग्री वामावर्त, तो 180 डिग्री वामावर्त लेफ्ट हैंड साइड, 270 डिग्री दक्षिणावर्त राइट हैंड साइड, तो 0 0 17 में 8 गया, 9 2 में 1 गया, तो 90 डिग्री हमारे पास फाइनली क्या बचेगा, राइट बचेगा। तो ये ध्यान से समझना, 180 डिग्री वामावर्त दिशा में घूमता है और फिर 270 डिग्री दक्षिणावर्त दिशा में घूमता है, तो इनको कैंसिल करा लेंगे, 270 में 180 घटेगा, तो यहां पर कितना बचेगा, 90 डिग्री राइट, तो यहां से आपको कुल मिला के 90 डिग्री राइट गुना, वैसे भी एक राइट का मतलब 90 डिग्री ही होता है, ठीक है ना? तो क्या कहता है, और 5 मीटर चलता है, कितना चलता है 5 मीटर, तो ये 5 मीटर हो गया, ठीक है, और बिंदु टी पर पहुंचता है, तो ये हो गया बिंदु टी, बिंदु टी से वह 90 अंश बाएं मुड़ता है और 5 मीटर चलता है, तो बिंदु टी से वह 90 अंश क्या करता है, बाएं मुड़ता है, 5 मीटर चलता है और बिंदु U पर पहुंच जाता है, तो ये बिंदु U हो गया यहाँ पर।
तो बिंदु P और U के बीच की न्यूनतम दूरी, तो बिंदु P और U के बीच की जो न्यूनतम दूरी है वो आपको बतानी है, तो ये वाली दूरी आपको बतानी है कितनी होगी। अगर ये साथ है तो ये भी साथ होगा, ये यहाँ से यहाँ तक क्या होगा, सात होगा, यहाँ से यहाँ तक सात, यहाँ से यहाँ तक पाँच, तो ये सात और ये पाँच, तो सात और पाँच पूरा ये हो जाएगा 12 मीटर। कितना? 12 मीटर दूरी होगी, और 12 मीटर कहाँ है? ऑप्शन नंबर सेकंड में। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर सेकंड होगा। हो गया, आइए चलते हैं अब अगले प्रश्न में। बिंदु S बिंदु P से किस दिशा में है? आपको बताना है कि बिंदु S जो है बिंदु P से किस दिशा में, वही डायग्राम है, फिर से हमको बनाना पड़ेगा क्योंकि पीछे नहीं जा सकते यहां पर। बिंदु P से अभिषेक बिंदु P से 15 मीटर दक्षिण की ओर चलता है, फिर बाएं मुड़कर 7 मीटर चलता है और बिंदु R पर पहुंचता है, फिर बाएं मुड़कर 10 मीटर चलता है, और बिंदु S पर पहुंचता है। ये बिंदु P है, तो इसने पूछा क्या था? बिंदु S बिंदु P से किस दिशा में है? तो बिंदु S जो है बिंदु P से किस दिशा में, इतने से ही काम चल जाएगा। दक्षिण है, ये पूर्व है, तो दक्षिण पूर्व दिशा में है, पूरा मत बनाइए, दक्षिण पूर्व दिशा आएगी, तो ये दक्षिण पूर्व कहाँ है? ऑप्शन नंबर 4 में। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर 4 होगा। ओके, तो उम्मीद करता हूँ, देखो इससे पहले जो हमने प्रश्न बनाया था उन्हें कंप्लीट बनाया था, इस बार हमें कंप्लीट बनाने की आवश्यकता या नीडेड नहीं है, हमें जितनी आवश्यकता थी उतना बना के हम काम चला लेंगे, ठीक है ना। आइए चलते हैं अब अगले प्रश्न में, देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या है इसका। बिंदु P और U के बीच की न्यूनतम दूरी फिर से हमें बनाना पड़ेगा, तो बिंदु P और बिंदु U के बीच की अगर न्यूनतम दूरी बतानी है तो हमको इसको बताना पड़ेगा। तो बिंदु P और U के बीच की न्यूनतम दूरी, तो चलो बना लो भैया यहाँ से फिर से, मान लो बिंदु P है और यहाँ से जो है चलता है कितना 15 मीटर और कहाँ पहुँचता है Q पर, फिर बाएं मुड़कर 7 मीटर चलता है, बाएं मुड़कर 7 मीटर चलता है और पहुँचता है बिंदु R पर, ठीक है, फिर बाएं मुड़ता है 10 मीटर चलता है और पहुंचता है बिंदु S पर, बिंदु S से वह 180 अंश वामावर्त, तो यहाँ से कुल मिलाकर 5 मीटर हमने निकाला था राइट, और फिर 5 मीटर हमने निकाला था लेफ्ट चलेगा, और बिंदु कहाँ पहुँचेगा, ये T है और ये बिंदु U है, ये हुआ। बिंदु P और U के बीच की न्यूनतम दूरी, तो बिंदु P और U के बीच की न्यूनतम दूरी हमने निकाली ली थी 12 मीटर आते हैं। तो चलिए प्रश्नों की जो श्रृंखला थी पूरी की पूरी क्या होगी, समाप्त हो गई है, और इसमें कुछ बताने जैसा नहीं रहा क्योंकि प्रश्न बहुत ज़्यादा रिपीट हो रहे थे, इसलिए मैंने इनको जो है आगे पोस्टपोन कर दिया है। अभी देखो मैं आपको बता दूं कि आपके इन्फॉर्मेशन के लिए कि अभी हमारे पास जो भी श्रृंखला बचेगी उसमें से अभी आप लोगों को क्या करना है कि जो है,
अभी मैं आपको जो है परछाई से रिलेटेड प्रश्नों को बताने वाला हूं, क्योंकि आपको जो है मैंने बताया था कि परछाई वाले प्रश्न अभी नहीं हो पा रहे हैं, उसके लिए समय लगेगा, तो कॉन्सेप्ट बताना पड़ेगा, तो उसके लिए हमें परछाई से रिलेटेड प्रश्नों को चलना पड़ेगा। और जब तक पूरे परछाई का कॉन्सेप्ट नहीं होगा तब तक हम ऐसे प्रश्नों को सॉल्व नहीं कर सकते हैं। तो थोड़ा सा परछाई का मैं भी आपको कॉन्सेप्ट बता देता हूँ कि कैसे परछाई का कॉन्सेप्ट होता है, और कल हम लोग उसके प्रश्नों को लेकर क्या करेंगे, प्रश्नों को सॉल्व कर लेंगे, क्योंकि यहाँ प्रश्न बहुत ज्यादा रिपीट हो रहे थे, तो थोड़ा सा इस वजह से हमने उसको नहीं किया। तो देखिए यहाँ पर जैसे प्रश्न था ये बार बार रिपीट हो रहे थे, इसलिए मैंने इनको जो है क्या किया था, हटा दिया था। देखिए मैं आपको एक बात बता दूं कि परछाई से रिलेटेड प्रश्नों की अगर बात करें तो पहले ध्यान से सुन लो कि परछाई होती क्या है और कैसे कैसे हमारी परछाई बनती है, थोड़ा सा उसके बारे में जान लेंगे तभी हम लोग जो है आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो हेडिंग आपको डालना है परछाई पर आधारित प्रश्न, हेडिंग आपको डालना है परछाई पर आधारित प्रश्न, ठीक है ना। देखिए दोस्तों मैं आपको एक बात बता दूं कि अगर परछाई से रिलेटेड प्रश्न पूछता है तो परछाई से रिलेटेड प्रश्न बहुत आसान होते हैं, लेकिन तब जब आपको इसका कॉन्सेप्ट पता चल जाए, और अगर बगैर कॉन्सेप्ट के हम प्रश्नों को सॉल्व करने का प्रयास करेंगे तो वहां तक हम सब पहुंच ही नहीं पाएंगे और प्रश्न गलत होगा, दिमाग ही नहीं काम करेगा कैसे करना है। देखो आप सबने देखा होगा कि अगर शैडो की बात करें तो आप सबने देखा होगा कि जैसे हम आम जीवन में जैसे आप देखते होंगे कि परछाई कभी आपके आगे बनती है, कभी आपके पीछे बनती है, कभी आपके लेफ्ट बनती है, कभी आपके राइट बनती है, बोलो देखा है कि नहीं। तो आपको लगता है कि परछाई बदल जाती है ना, हमें आपको क्या लगता है कि परछाई बदल जाती है। दोस्तों अगर कभी आपने गौर किया होगा तो परछाई कभी बदलती ही नहीं है, ठीक है, परछाई कभी बदलती नहीं है। बदलता कौन है, हमारे खड़े होने का डायरेक्शन बदलता है, कभी भी परछाई या शैडो हमारी नहीं बदलती, तो हमारे खड़े होने का क्या करता है, डायरेक्शन बदलता है। तो अब देखो एक बात, दूसरी महत्वपूर्ण बात आपको यह याद रखना है, जिस डायरेक्शन में परछाई का जो आधार होता है वो सूर्य होता है, याद रखिएगा परछाई का जो आधार होता है वो सूर्य होता है। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि परछाई जो है सूर्य के प्रकाश में बनती, मतलब परछाई कभी भी अंधेरे में नहीं बनती है, एक बात ध्यान दीजिएगा, अंधेरे में परछाई कभी नहीं बनती। आप परछाई की अगर कोई रात्रि हो, घनघोर अंधेरा हो, है ना, तो भैया अगर परछाई जैसी कोई चीज़ दिखे तो भैया उसको परछाई मत समझना, टॉर्च लगा के देख लेना, आप सभी लोगों को कुछ और भी हो सकता है कि परछाई के चक्कर में नुकसान कर बैठो, ठीक है। तो परछाई बनेगी सूर्य के प्रकाश में, और रात्रि में अगर परछाई बनती है तो चंद्रमा का जब बढ़िया प्रकाश होता है तब भी हमें शैडो दिखती है, ठीक है, मैं आपको बता दूं। तो यहां पर परछाई शैडो प्रकाश से बनती है। परछाई के बनने का सबसे अच्छा कारण क्या होता है कि परछाई सदैव सूर्य के अपोजिट डायरेक्शन में बनती है, परछाई सदैव सूर्य के अपोजिट डायरेक्शन में बनती है। सूर्य अगर पूर्व में होगा तो परछाई पश्चिम में बनेगी, सूर्य अगर पश्चिम में होगा तो परछाई पूर्व में बनेगी। दो ही प्रकार का प्रश्न बनता है, एक सूर्योदय के समय की बात करेगा, एक सूर्यास्त के समय की बात करेगा। और हमें आपको ये बात पता है कि सूर्योदय के समय सूर्य होता है पूर्व में और सूर्यास्त के समय सूर्य होता है पश्चिम में। तो परछाई सदैव, मैं यहां पर लिख देता हूं, जी बना लिया। तो परछाई सदैव सूर्य के अपोजिट डायरेक्शन में बनती है, मतलब विपरीत दिशा में बनती है, ये बात हमको ध्यान देना है और ये बात याद रखनी है। दूसरा पॉइंट आपको ये ध्यान देना है कि जब दोपहर का 12 बजता है उस समय कोई परछाई नहीं बनती,
क्योंकि वो नून का समय होता है और उस समय कोई परछाई नहीं बनती। और इसका एक रीजन क्या है अभी मैं आपको बता दूं कि उस समय कोई परछाई नहीं बनती, इसका कारण क्या है इसको ध्यान से समझिएगा। इसका कारण ये है कि जैसे मान लीजिए हम जो है, अगर हम सब जो है अगर ध्यान से अगर देखें या समझे तो सूर्य उस समय दोपहर के 12 बजे हमारे सर के ऊपर होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं कि ऊर्ध्वाधर हो जाता है। क्या होता है? ऊर्ध्वाधर हो जाता है। तो उस समय सूर्य के ऊर्ध्वाधर हो जाने के कारण उस समय शैडो हमारे क्या करती है, पैरों के नीचे छुप जाती है। ठीक है, तो अगर दोपहर के 12 बजे का वक्त होगा और अगर आपसे प्रश्न पूछता है कि उस समय शैडो कहाँ बनेगी, तो आपका जवाब होगा कि उस समय कोई भी किसी प्रकार की कोई शैडो नहीं बनती है, क्योंकि सूर्य उस समय हमारे सर के ऊपर होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं कि ऊर्ध्वाधर होता है। और सूर्य के ऊर्ध्वाधर होने के कारण परछाई उस समय हमारे पैरों के नीचे क्या करती है, छिप जाती है। आशा करता हूं कि बात आप सबको बढ़िया से समझ में आई होगी। तो बस आपको यही दो तीन पॉइंट हैं जो आपको बढ़िया से याद रखने थे, मैंने वो सब बता दिया। एक मैंने बताया कि परछाई सदैव आपके सूर्य के प्रकाश में बनती है, तो मैं रिपीट कर देता हूं कि परछाई सदैव सूर्य के प्रकाश में बनती है। रात्रि में बनेगी तो चंद्रमा का प्रकाश होगा, अंधेरे में शैडो बनती नहीं है। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि परछाई सूर्य के अपोजिट डायरेक्शन में बनती है, दोपहर के 12 बजे परछाई बनती नहीं है। ये बात आपको जो है ध्यान में समझ लेना है। ठीक है, ये हो गया कॉन्सेप्ट, हो गया। आइए चलते हैं अब अगले प्रश्न में। तो ये हो गया, अब इसको थोड़ा सा रफ करते हैं और समझते हैं कोई दूसरी चीज। जैसे मान लो सूर्योदय के समय की बात करें, अगर सूर्योदय के समय की अगर हम सब ध्यान से बात करें तो सूर्योदय के समय में समझने का प्रयास कीजिए। जैसे मान लीजिए सूर्योदय के समय की बात कर रहा है, ठीक है, सूर्य की बात कर रहा है। अगर दोस्तों इसको ध्यान से देखो, समझो मेरी बात को, अगर मान लीजिए सूर्योदय के समय की बात करते हैं, सूर्योदय के समय सूर्य होता है किधर, पूर्व में, अपूर्व इधर होता है। सूर्योदय के समय सूर्य होता है पूर्व में और पूर्व होता है इस साइड में। ठीक है, मान लीजिए आपका सूर्य, समझिए कि ये आपका क्या है, सूर्य। ठीक है, अगर सूर्य पूर्व में है तो परछाई कहाँ बनेगी, पश्चिम में। परछाई कहाँ बनेगी, पश्चिम में। ये बात याद रखिएगा, अगर सूर्य पूर्व में है तो परछाई कहाँ बनती है, पश्चिम में बनती है। ये बात दिमाग में फीड कर लीजिए। अब जैसे मान लीजिए आपका फेस उत्तर में है, एक व्यक्ति है उसका फेस दक्षिण में है, एक व्यक्ति है उसका फेस पूर्व में है और एक व्यक्ति है उसका फेस पश्चिम में। सभी के फेस अलग अलग हमने कर दिया, ठीक है। ये इसका राइट होगा, ये इसका लेफ्ट होगा, ये इसका राइट होगा, ये इसका लेफ्ट होगा। अब ध्यान से समझो, परछाई नहीं बदलती। मान लो सूर्य अपनी दिशा में है, परछाई भी अपनी दिशा में, ठीक है। अगर मान लीजिए मैं ऐसे खड़ा हूँ तो परछाई मेरे किधर जाएगी, लेफ्ट में जाएगी। अपने आप को मूव कराइएगा, मेरे परछाई लेफ्ट जा रही है। और अगर मैं ऐसे खड़ा हो जाऊँ तो मेरी परछाई मेरे राइट जाने लगी। बोलो जाने लगी कि नहीं, समझ में आ रही बात ना। और अगर मैं आप जो है अगर मैं ऐसे मुख करके खड़ा हो जाऊँगा तो मेरी परछाई मेरे पीछे जा रही है, और अगर मैं ऐसे मुख करके खड़ा हो जाऊँगा तो मेरी परछाई मेरे सामने जा रही है। तो मैं ये बताना चाह रहा हूं आप सभी को, अगर फेस आपका उत्तर में है तो परछाई आपके बाएं जा रही है, फेस आपका दक्षिण में तो परछाई आपके राइट जा रही है, और फेस अगर आपका सूर्य की ओर है पूर्व की ओर तो परछाई आपके पीछे जा रही है, बैक। और अगर आपका मुख पश्चिम में है तो परछाई आपके सीधे पड़ रही है, आपके कहाँ, फ्रंट में, मतलब सामने पड़ रही है। ये इतनी सी बात करनी थी। तो देखो यहाँ पर आप जो है देखा कि ना सूर्य बदल रहा है ना परछाई बदल रही है। कौन बदल रहा है, बदल रहा है तो हमारे खड़े होने का डायरेक्शन बदल रहा है। ना परछाई में कोई प्रभाव पड़ रहा, ना सूर्य में कोई प्रभाव पड़ रहा। आप देख पा रहे हो कि परछाई वहीं पर स्थापित है, बस बदलता है हमारे खड़े होने का डायरेक्शन, इंसान के खड़े होने का डायरेक्शन। परछाई दोस्तों कोई परिवर्तन नहीं पड़ता। ये बात आपको अपने दिमाग पर फीड कर लेना है। तो इस प्रकार से सूर्योदय के समय की हम लोग बात कर रहे थे। तो सूर्योदय के समय एक चार्ट बना लेंगे, तो यहाँ से आपको आइडिया लग गया होगा कि शैडो में कोई परिवर्तन नहीं बनता, तो हमारे खड़े होने का डायरेक्शन चेंज होता है। अगर आप उत्तर की ओर खड़े हैं तो परछाई आपके किधर जाएगी, लेफ्ट में। आप मुख चेंज कर लो तो आपके राइट में जाने लगेगी। आप पश्चिम की ओर चले जाओ तो सामने चली जाएगी। आप पूर्व में मुख कर लो तो आपके पीछे चली जाएगी। तो देखो परछाई वहीं पर हमारे खड़े होने के डायरेक्शन के अकॉर्डिंग क्या करती है, बदलती रहती है। मान लीजिए डायरेक्शन है और ये क्या है, शैडो है। अगर मान लीजिए आपका फेस नॉर्थ में है, आपका फेस नॉर्थ में है, तो परछाई जो आपकी बनती
है वो आपके किधर बनती है, लेफ्ट में बनती है, किधर बनती है, लेफ्ट में बनती है, ओके ना। अगर मान लीजिए आपका फेस साउथ में है, आपका फेस साउथ में है, तो परछाई जो होगी वो आपके किधर बनती है, राइट बनती है, किधर बनती है, राइट बनती है, ओके। मान लीजिए आपका फेस वेस्ट में है, किधर है, वेस्ट में है। अगर मान लीजिए आपका फेस वेस्ट में है पश्चिम की ओर, तो अगर फेस पश्चिम की ओर है तो परछाई आपके फ्रंट में जा रही है, किधर जा रही है, फ्रंट में जा रही है। और मान लीजिए अगर फेस आपका किधर है, ईस्ट में, पूर्व की ओर है, पूर्व की ओर है, तो मान लीजिए अगर फेस आपका पूर्व की ओर है, ईस्ट की ओर है, तो अगर इधर पूर्व है तो परछाई आपके किधर जा रही है, बैक जा रही है, किधर जा रही है, बैक जा रही है, बी ए सी की बैक जा रही है। तो ये आपका चार्ट है और इसी के अकॉर्डिंग हमें क्या करना है, इसको जो है लेकर आगे मूव ऑन करते चलना है, ठीक है दोस्तों। तो आशा करता हूँ कि प्रश्न सीरीज आपको समझ में आई होगी। तो सूर्योदय के समय परछाई कैसे बनती है आपको समझ में आया होगा। अभी मैं सूर्यास्त के समय की बात करूंगा, सूर्यास्त के समय परछाई कैसे बनती है इसकी बात करेंगे, और इसी के साथ साथ हम लोग क्या करेंगे, इसको समाप्त कर देंगे, ठीक है। अभी आपके कई दो प्रकार के टाइप बने हैं, ज्यादा नहीं बचा, बस एक दो क्लासेस की और लूंगा और इसके बाद इसको क्या करूंगा, समाप्त कर दूंगा, ठीक है। तो चलिए थैंक यू आप सभी को, मिलता हूं आप सबसे नेक्स्ट क्लास में। और जैसा कि आप सब देख पा रहे होंगे कि अभी हमने जो प्रश्नों को सॉल्व किया, प्रश्न रिपीटेड थे तो बार बार कराने का मन नहीं करता, तो इसके बाद हम लोग जो है कुछ नए प्रश्नों को लेकर आएंगे और प्रश्नों को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो थैंक यू आप सभी को और मिलता हूं इसके अगले क्लास में। जय हिंद, वंदे मातरम।